Assalamualaikum viewers, welcome back to my channel. So I hope you will be fine, my friend. Wine bottle light rustic decor recycle while bottle wine bottles ideas. आप देख रहे हैं आप ही की inspiration पर my friend, my guys, my viewers लेकर आई हूँ क्योंकि इससे पहले आप लोग मेरी wine bottle videos जो हर डिज़ाइन में मैंने आप लोगों के लिए पेश की हैं आप बहुत लाइक किया आप लोगों ने शेयर किया चैनल को सब्सक्राइब किया तो आपकी इंस्पिरेशन पर आज ये इंडस्ट्रियल यूजेस जो झूमर कहें फानूस कहें जो बिग बने हुए हैं आपको नज़र आ रहे हैं लगे हुए इसी तरह से ये स्टाइल डिज़ाइन जिसमें डिफरेंट शेप्स की बॉटल का यूज़ किया गया है बहुत ही यूनिक स्टाइल और डिज़ाइन के साथ आपके गोदाम और आपके इंडोर और आउटडोर एरिया के लिए ये डिज़ाइन है आउटडोर रखने के लिए यह आप देख सकते हैं कि इसमें हवा ना लगे और आपके दिए या कैंडल जो भी है वो बुझे ना तो ये तरीका आप रीयूज़ वाइन बॉटल के साथ कितने अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं क्रिएटिव आइडियाज़ है जिसमें जो है वुमेन ने ख़ुद ने क्रिएट किया है देखें इतना इजी और लाइट वेटेड ये झूमर ये फानूस आप जिसको कहेंगे तो वो डिफरेंट इसमें डिज़ाइन है वाइन बॉटल्स के आप देख रहे हैं आपने स्क्वायर में है इसमें राउंड में है इसमें कुछ और शेप दिया गया है मेंटेन करने का तरीका आप देख सकते हैं कि अपना थोड़ा सा हमने माइंड को यूज़ करना है इसी तरह से ये कोई भी आपका इवेंट्स है ओकेजन है आप लोगों को अपनी स्ट्रीट को रोशन करना है अपने अपने गार्डन में लाइटिंग का जो इंतज़ाम करना है तो इस तरह छोटे वाइन बॉटल्स को आप लोग बनाइए उसमें एक एक कैंडल लगानी है चाहे आपने बल्ब लगाना है तो उसको आप अनएक्सपेंसिव तौर पे यूज़ कर सकते हैं इसी तरह किचन में जो झूमर और फानूस आप लोगों को चाहिए होता है बेहतरीन इसका यूज़ दिखाया है इसमें बेहतरीन इसका स्टाइल और डिज़ाइन है जो बहुत लग्जरी लुक भी दे रहा है स्टाइल भी आप देखें आँखों को बहुत भा रहा है यकीनन नाट मेरी इस मोटिवेशनल वीडियो की इस तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे एक एक क्लिप्स इसका आपके दिल में उतरेगा और आप खुद से इसको मेंटेन करने की फुल टाइम कोशिश करेंगे क्योंकि अगर आप महंगे से महंगा झूमर या फानूस अगर बाय करते हैं और लगाते हैं जब इसको आप वॉश करते हैं नीचे उतारते हैं या कोई भी चीज़ उसके ऊपर साफ़ करने में जैसे जाले वगैरह हो जाते हैं साफ़ करते हैं तो लग जाती है तो वो टूट जाते हैं तो टूट जाते हैं तो उसका दूसरा जो स्टाइल है जो मार्केट में आया होता है उसके नहीं मिलता और वो फ़ानूस का लुक जो है वो बिल्कुल बेकार हो जाता है ये फ़ानूस बनाने में यही होगा कि अगर आपकी वॉश करने में टूट भी जाती हैं तो आप फ़ौरन से वाइन बॉटल लगा कर उसको दोबारा से उसी फॉर्म में ले आएंगे कैंडल स्टैंड देख सकते हैं आप ग्रीन कितना आंखों को अच्छा सा लुक दे रहा है तासुर दे रहा है और लग्जरी लुक दे रहा है आप अपने स्टडी टेबल पे जहाँ पर लोड शेडिंग है फ़ौरन से लगाएं और आप अपना जो सिलसिला है वो जारी रख सकते हैं इस तरह के दिए बनाकर दिया जलाना हर मज़हब में हर रिलीजन में जो है वो आता है हर अपना ओकेजन और इवेंट्स आते हैं जिन पे हम दिए का यूज़ करते हैं हिंदूज तो हर रोज़ जो है वो दिया जलाते हैं तो उनके जो बर्तन होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं काले हो जाते हैं अगर इस तरह आप ग्लास वाइन बॉटल में ये लगाएंगे तो उसको वॉश करा वापस फॉर्म में आ जाता है और टूट जाए तो दूसरी कटिंग करें और एक दिया आपका मेंटेन हो गया ये भी आप देख सकते हैं कि आपने देखा कि ये कैंडल स्टैंड ही बना हुआ था जो लंबी कैंडल स्टैंड के लिए था वो शॉर्ट के लिए था ये जो बड़ी थी यानी कि लॉन्ग में थी उसके लिए बनाया था इसी तरह डिफरेंट जो है एक जगह जमा करके लुक वाइज उसको लुक तो देना है हर चीज़ जो है वो फैशन है फैशन को जो है फॉलो किया जाता है तो ए टू जेड आइडिया आपको क्लिक करा रही हूँ जिसमें हर फॉर्म में आप लोगों को रियूज वाइन बॉटल यूज़ करनी है अदरवाइज कटिंग के स्टाइल देख लीजिए क्लिप्स आपको हमेशा बिगनर्स के लिए और क्रिएटिव आइडियाज़ जो यूज़ करना चाहते हैं उनको दिखाती हूँ ताकि वो मोटिवेट हों स्टेप ले सकें थोड़ा सा उनमें जज्बा पैदा हो कि ये कोई मुश्किल काम नहीं दिख रहा तो हम खुद से मेंटेन कर सकते हैं इस तरह कटिंग करके आप मेरे एक्टिव व्यूवर्स हैं तो आप स्टेप ले सकते हैं ट्यूटोरियल की वीडियोस फिर आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोगों के अंदर मेरी
मोटिवेशनल वीडियोस के ज़रिए अगर आपका ये आर्ट एंड क्राफ्ट जो आपके अंदर है उजागर होता है, तो आप फिर उसको ट्यूटोरियल वाली वीडियोस को देखकर आप अच्छे से हर डिज़ाइन, मेरा ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, स्टाइल दिखा रही हूँ, झूमर कहें, फानूस कहें आप, इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए चांदीलियर, ये चीज़ें हैं, डिफरेंट कलर के साथ, डिफरेंट लाइटिंग के साथ आप इसका लुक देख सकते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट लग रहा होगा, स्टाइल वाइज आपको जो है वो बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो यकीनन आपको मेरी बात जो है वो समझ में आएगी इंशाल्लाह, और आप लोग इस पर जो है इससे पूरी तरह मुस्तफीद होंगे। मेरे एक्टिव व्यूवर्स हैं मेरे इस चैनल पर, आप मैक्रेम से रिलेट वीडियोस देख रहे हैं, मिनी मैक्रेम, लार्ज मैक्रेम और स्मॉल मैक्रेम, एक्स्ट्रा लार्ज मैक्रेम, वॉल शेल्फ मैक्रेम आप लोगों ने बहुत पसंद किया है, पेपर आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेट वीडियोस हैं, क्यूलिंग आर्ट क्राफ्ट से रिलेट वीडियोस हैं, ईस्टर एक्स की वीडियोस पे नज़र डालिए, मल्टी क्राफ्ट की मेरी वीडियो जो टॉप 10 में आने के लिए बेचैन है। तो आप लोगों की सपोर्टिंग चाहिए चैनल को, मुझे ढेर सारे से व्यूज़ आपके चाहिए होंगे, आपकी लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग, शेयरिंग मेरी चैनल की स्ट्रेंथ है, तो आप लोग नहीं छोड़ने वाले। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो प्लीज़ आइए सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन लीजिए, बेल आइकन को दबाकर, मेरे एक्टिव व्यूअर्स हैं, सारा प्रोसेस आप समझते हैं, मुस्कुराहट आ गई होगी आपके चेहरे पर मेरी ये कमेंट्री सुन के, कैसी बात मैं आपने व्यूअर्स से करती हूँ, लेकिन अपना समझते हुए सारी बात ए टू जेड आपसे जो मेरे दिल में होती है मैं वीडियोज़ के थ्रू आपको कह देती हूँ, क्योंकि कह देना अच्छा है, आपका सदका जारिया मेरे लिए रह सकता है मेरी चैनल की सपोर्ट करके। आप लोगों को सिर्फ उंगलियां चलानी हैं और कुछ नहीं करना है, आपका इसमें कोई जो है वो पैसा खर्च होने वाला नहीं है, लेकिन आपका मेरी सपोर्टिंग करके, चैनल की सपोर्टिंग करके आप सदका जारिया आपके लिए हो सकता है। तो प्लीज़ ये काम आप लोग नहीं छोड़ने वाले, रोज़ाना डेली बेस पर आप लोगों के लिए वीडियोस लेटेस्ट लेकर आ रही हूँ, ज़िंदगी रही तो लाती रहूँगी, मेरी दुआ आप लोगों के लिए और आपकी दुआ मेरे लिए, दुनिया और आखिरत में की कीमती सरमाया है, बी पॉजिटिव, अच्छे से अपना ख्याल रखें, फिर आऊँगी एक लेटेस्ट वीडियो के साथ आप लोगों के लिए लेकर, तो मेरा वेट करेंगे आप लोग, अल्लाह हाफिज़।